अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो है मैं करंटली आया हूँ अपने दोस्त के घर पे। यहाँ से जो है हम लोग जाएंगे आज सहारा विलेज। सहारा विलेज इज़ बेसिकली एन ओल्ड एज होम, जहाँ पे के बूढ़ी औरतों को जो है और बूढ़े अंकलों को रखा हुआ है। उन लोगों ने बेसिकली सहारा दिया हुआ है एक तरह से, और शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है उनको, और जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं सारे वहाँ पे। तो आज हम लोग का प्लान है कि वहाँ पे जाएंगे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वी बॉट अ फ्यू गिफ्ट्स फॉर देम एज़ वेल, और देखें फिर उनके साथ जो है इंशाल्लाह टाइम स्पेंड होगा वहाँ पे। आई ट्राई टू रिकॉर्ड एज़ वेल। करेंटली जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ उन दोस्त के घर पे, वहाँ पे दोस्त का जो है मेरी एक्सीडेंट भी हुआ है, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनको अपनी दुआओं में याद रखें आप। ये हम लोगों ने सामान लिया हुआ है बेसिकली, जो हम उनके लिए लेके जाएंगे यहाँ से घर से, और इंशाल्लाह होपफुली दे ऑल हैव अ गुड टाइम और उनको अच्छा लगे हम लोगों का आना। द रीज़न फॉर मी डूइंग ऑल दिस इज़ नॉट बिकॉज़ आई वॉन्ट टू शो ऑफ कि मैं जो है वो कितना अच्छा काम करता हूँ, या मैं जो है वो बहुत अच्छा इंसान हूँ, या मैं इतना चैरिटी वर्क करता हूँ, ये खत्म करता हूँ। द ओनली रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज़ क्योंकि ये मेरी अपनी एक इंटेंशन है कि मुझे ये काम करना है। और जहाँ हम जो है बुरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, या जहाँ उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं जिससे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो वहाँ क्यों ना हम इन चीज़ों को प्रमोट करें कि आज मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो शायद कल आप लोगों का भी दिल करें कि आप लोग भी जाएँ वहाँ पर, जाते हैं उनको डोनेशन करें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे हैं तो माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ, मतलब इनकी फैमिलीज़ बहुत वेल ऑफ है, लेकिन इन लोगों के लिए इनकी फैमिली के पास टाइम नहीं है, या इनकी फैमिली इनको जो है एज अ बर्डन समझ रही होती है। वाई नॉट स्पेंड टाइम विद देम एंड शो इट टू अदर पीपल कि आप भी आ सकते हैं और आप भी कर सकते हैं टाइम स्पेंड उनके साथ इस तरह से। जी तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, नज़र तो आ रहा होगा आप लोगों को, गाड़ी में ही हम लोग, और हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, क्या दिए हैं हमने, समोसे दिए हुए हैं हमने बनने के लिए, समोसे भी लेके जा रहे हैं उन लोगों के लिए, तो समोसे आ जाएंगे तो बस फिर निकलेंगे हम लोग वहाँ के लिए। मैं जो है वो दोस्त की गाड़ी में बैठा हूँ जिसने आज एक्सीडेंट भी किया, तो उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, बस चला रही है किसी तरह, गुजारा कर रही है, तो ऐसा ही है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शॉट। ओके जी, तो हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे सहारा विलेज। जब हम यहाँ पे अंदर जाएंगे सामान के साथ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अंदर मुलाकात। हम लोग अब सहारा विलेज के अंदर हैं फिलहाल, और यहाँ पे मैं आपसे जो है मिलवाता हूँ, यहाँ पे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बेसिकली वो आपको थोड़ा और बताएंगे सहारा विलेज के बारे में, ताकि अगर आप लोग आना चाहें तो आप भी ज़रूर यहाँ पे जो है विजिट करें इनको। तो आइए इनसे मुलाकात करें। तो इमरान साहब, आप ये बताइए मुझे कि सहारा विलेज का बेसिकली आइडिया आप लोगों ने, आइडियोलॉजी कहाँ से और किस तरह से, कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने? जी, सहारा विलेज 25 साल से, थोड़ा सा मुझे 20-25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके फाउंडर हैं अकबर अली राना साहब। ठीक है। जो कि इस इदारे के फाउंडर भी हैं और इस इदारे के प्रेजिडेंट भी हैं। सही। तो बेसिकली उनका जो बिजनेस था वो बिजनेस कम्युनिटी से ही थे, उस पर वहाँ से छोटी छोटी चैरिटीज़ करते करते इन्होंने एक इदारे को स्टैब्लिश किया। ठीक है। और इस इदारे को सीनियर सिटीजन्स के हवाले से मैंने सोचा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको स्टेबल करना, उनकी लाइफ को बेहतर तरीके से स्पेंड करना, ये बड़ा मुश्किल फील करता है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह से हम अच्छा काम कर रहे हैं। और करेंटली आपके पास अभी यहाँ पर कितना, मतलब कि आपके पास यहाँ पर हमारे तकरीबन 4 सेंटर्स हैं। ठीक है। फूड सेंटर रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, माशा तीन सेंटर्स में हमारे तकरीबन जो है सही वो 250 के करीब। 250 के करीब। और लोकेशंस क्या क्या हैं इनकी? ये एक तो हमारा सेंटर जो है पंजाब चौरंगी में, जो हमारा हेड ऑफिस है। ठीक है। हेड ऑफिस है। और एक हमारा कोई क्रेव पे जो है इब्राहिम एनी के नाम पे हमारा सेंटर है, मोरू हॉल के नाम से। ठीक है। उसी के साथ एक वजीरा बीबी के नाम से हमारा सेंटर है, और अभी रिसेंटली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो तारीख इंशाल्लाह। अभी हम लोग जो है वो, अगर आप इजाज़त दें तो हम उनकी थोड़ी सी फुटेज देंगे ऊपर, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो, जस्ट एक देखने दिखाने के लिए कि बेसिकली ये इतने सारे यहाँ पे लोग हैं और इस तरह से, तो अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच जी। मैं सहारा विलेज में अभी फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूँ, और मेरे साथ जो है ये मेरी बहुत प्यारी सी नानी है। तो नानी जो है वो आप लोगों को थोड़ी दुआएँ भी देंगी और बताएंगी कि जो है वो कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानती हैं, ये कहती हैं कि बिल्कुल तुम मेरे बच्चे की तरह हो। तो अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? सब सबको बोल दें कि बस सब खुश रहें, और सब जो है वो सारा पाकिस्तान को खुश रखे। आमीन। और उसका
بہت اللہ تعالیٰ تم لوگ کو ترقی دے نوجوانوں کو, آمین, کوئی دکھ نہیں دے, آمین. ان کے پاس میں جب بھی آتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے اتنی ساری دعائیں دیتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ دنیا کی ساری دعائیں جیسے انہی کے پاس سے نکل رہی ہیں, مجھے تو ایسا فیل آتا ہے. خوش رکھے, آباد رکھے, آمین, جوان نصیب. اور آج آپ خوش ہیں کہ میں آیا ہوں ملنے کے لیے؟ بہت بہت خوش ہیں یہ کہ میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کل بھی یاد کرا, کل بھی یاد کیا انہوں نے مجھے. اچھا, آج بھی یاد کرا, میں بلایا یا نہیں. ہاں, میں انشاءاللہ چکر لگاتا رہوں گا آپ کے پاس. رانی یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے تو ماشاء اللہ سے. نہیں نہیں صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں ادھر وہاں پہ دے دیا میں نے, کیونکہ وہاں پہ جا کے میں نے پلیٹ دی تھی. چلیں آپ سب لوگ اس میں ہائی کر دیں, اس طرح سے سب ہاتھ ہلا دیں. ہاں نہیں نہیں ہائی کرنا ہے, بائے تھوڑی کرنا ہے, ہائی کریں اس میں, ایسے ہاتھ ہلائیں سب اس میں. ٹھیک ہے, آپ کو تو الگ سے لوں گا. یہ سب سے پریٹیسٹ ہے بھائی یہاں پہ, شی از دا موسٹ بیوٹیفل پرسن ہیئر. مجھے وہ دکھائیں, چوڑیاں دکھائیں آپ, چوڑیاں کیسی لگی آپ, اچھی لگی آپ کو؟ بہت پیاری, بہت پیاری لگی ماشاء اللہ. ڈیلیکیسی ہے نا, آپ کی پرسنالٹی بھی جا رہی ہیں. اچھا لگا سب کچھ کھایا آپ نے؟ اچھے سے کھایا سب؟ آمین آمین آمین. بس آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. بالکل خود کرتی ہیں آپ؟ امی نے سکھایا تھا. تو کب کرتی تھیں آپ؟ اچھا, تو آپ خوشی سے, خوشی کے لیے آپ ڈانس کرتی تھیں؟ ارے واہ, تو آپ تھوڑا سا سنائیں نا ہمیں, گا کے سنائیں آپ پلیز. ہاں ہاں بالکل, اچھا والا کوئی, جو بھی بیسٹ آتا ہو آپ کو. آج ہی سنائیں گے آپ؟ آج ہی سنیں گے ہم, بالکل ابھی سننا. زبردست, سب تالیاں بجائیں بھائی, کلیپنگ ہو جائے, ویری نائس. کیا دیکھتی ہیں آپ ان کے ہاتھ میں؟ مجھے میرا دیکھو. ہم انشاءاللہ سب لوگ آئیں گے آپ کے پاس دوبارہ سے, میں وردہ ہم لوگ سب آئیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ کر دیں سب اس میں, اللہ حافظ. گائز سو آئی ایم بیک ہوم, اور وہاں سے آنے کے بعد جو ہے بس فریش ہوں ابھی, تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو کا آؤٹ ویک ریکارڈ کر دوں. تو بیسکلی آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ ہم لوگوں کو تو آج بہت اچھا لگا, اینڈ ہوپ فلی جن کے پاس ہم گئے تھے سہارا ولیج ان لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہو. اینڈ بس میں کیا کہوں اس کے اندر, آئی ڈونٹ تھنک میرے پاس کوئی ایسا جتنا کچھ کہنے کو ہے, لیکن آئی وڈ ریکویسٹ مائی آڈینس جو بھی دیکھتے ہیں, جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں, جو کراچی سے دیکھ رہے ہیں, to go there and help them out. And you guys would be surprised to know کہ ان لوگوں کو چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا, مطلب کہ obviously they were happy, they were really happy کہ ہم ان کے لیے جو ہیں وہ چیزیں لے کے گئے, لیکن all they want is کہ ہم ان کے ساتھ time spend کریں. یہ چیز میں ریکارڈ نہیں کر پایا, لیکن جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو میں نے ان لوگوں سے سب سے جو ہے تقریباً پوچھا کہ نیکسٹ ٹائم بتائیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کیا لے کر آئیں, آپ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے. تو موسٹلی ان لوگوں کا جو جواب تھا یا جو آنسر تھا یا جو ریپلائی تھا وہ یہ تھا
आके खुद आ जाओ, तुम लोग बस आया करो, हमारे साथ बैठा करो, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो। आज तुम लोग जो है वो इतनी देर के लिए नहीं आए हो, मैं इन लोगों के पास पहले भी जा चुका हूँ, हम लोग जो हैं वो इसी फ्रेंड के साथ मैं इनके पास पहले भी गया हूँ, तो दिस टाइम दे वर लाइक कि तुम लोगों ने कहा था कि ज़्यादा टाइम के लिए आओगे, तुम कम टाइम के लिए आए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ रियली शॉकिंग, मतलब जो कि जिसको कि मुझे देख के बहुत दुख होता है, वो ये कि मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट नियरली ऑल ऑफ देम, दे आर ऑल टोटली सेम। उनके साथ कोई एज सच इतना दिमागी मसला नहीं है कि उन लोगों को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए या एक नॉर्मल घर के अंदर उनको ना रखा जाए। अगर आप प्यार मोहब्बत से उनको उनके बच्चे रखते या उनके बहन भाई या उनके कोई भी घर वाले उनको प्यार मोहब्बत से रखते तो आई थिंक दे वुड हैव ईजिली एडजस्टेड। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो लोग जो है एडजस्ट ना कर पाते या उनको जो है वो सेपरेट करना अपनी फैमिली से बहुत ज़रूरी था या उनको किसी इस तरह के ओल्ड एज होम में भेजना बहुत ज़रूरी था। तो नंदलेस सहारा विलेज इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, हैट्स ऑफ टू यू पीपल एट सहारा विलेज, एंड आई विल डेफिनेटली पे यू अनदर विजिट। एंड प्लीज़ अगर आप में से कोई जा रहा है तो डू टेक मी अलॉन्ग, मुझे प्लीज़ अपने साथ लेके चलें, मुझे हमेशा जो है वहाँ पे जाके बहुत अच्छा फील होता है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टैग अलॉन्ग विद यू पीपल इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू सहारा विलेज। वन थिंग आई विल डू इज़ कि मैं इन लोगों का जो है वो एड्रेस जो है वो लिंक के अंदर डाल दूंगा नीचे, तो ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाने अगर आप लोग जाएं यहाँ पे। गाइस वहाँ पे जाना इज़ लाइक मोर ऑफ अ लेसन फॉर एवरीवन, मतलब वहाँ पे जाके यू डू रियलाइज़ के लोग अब कितने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं एक तरह से कि वो जो लोग हैं उनको कोई ऐसी स्पेशल नीड्स नहीं है, ना ही उनकी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल दे रिक्वायर फ्रॉम यू पीपल और ऑल दे रिक्वायर फ्रॉम देयर फैमिली इज़ जस्ट लव। अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दें और उनसे प्यार से बात करें और अगर आप उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, सो दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। उनकी मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि हम लोग जब उनसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को हम नेक्स्ट टाइम क्या ला के दें आपको या आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो तो वो हम आपके लिए लाएँ, वो खिलाएंगे आपको, दे वर लाइक के नहीं है, बस हमें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मिलती हैं। आई मीन सहारा विलेज जो है उनको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड देम विद फूड, दे प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग, लेकिन ऑल दे नीड इज जस्ट पीपल अराउंड देम जो उनको आके थोड़ा सा उनको प्यार दें, थोड़ी सी उनसे बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सो दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी कि देखें दुनिया के अंदर मेरे लिए फ़िलहाल माँ से बड़ी हस्ती और कोई भी नहीं है, या माँ से ज़्यादा जिसकी कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए माँ के अलावा और कोई भी नहीं है, और माँ भी बहन भी बेटी भी। तो वहाँ पे क्योंकि मोस्टली आंटीज़ ही हैं तो मैं उनसे रिलेटेड जो है आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली उन लोगों को अगर अपने घर के अंदर ही वो सारी चीज़ें या वो जो हम लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह ज़िंदगी अपनी स्पेंड कर रहे होते हैं, अगर उनको वही चीज़ें मिलती तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अटेंशन, दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सॉर्ट ऑफ केयर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। What's really disturbing is that most of them are from wealthy families. ऐसा भी नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती थी उनको रखना, या ऐसा नहीं है कि फैमिली के पास पैसे नहीं थे या फैमिली के हालात बहुत ख़राब थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बस वही था कि फैमिली को उनको अलग करना था तो उनको अलग कर दिया, एंड इट्स रियली डिस्टर्बिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहारा विलेज ने जो उनको इतना अच्छा सपोर्ट दिया हुआ और शेल्टर दिया हुआ है, आई एम रियली रियली सो प्राउड कि इस तरह की हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो ये सारे काम कर रही हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। एक आखिरी चीज़ गाइज, इसके बाद जो है ये व्लॉग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो ये कि अगर आप लोग चाहें तो अभी जो करंटली आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें कि अगर आपकी नानी हैं, दादी हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, अगर आप चाहें तो उनको आप अपने घर के अंदर ही अच्छे तरीके से और हंसी खुशी उनके साथ जो आप रह सकते हैं और उनको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको जो है अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई है या अगर जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो गई हैं थोड़ी, तो आप उनको जो है वो उठा के किसी ऐसे घर के अंदर डाल दें कि जहाँ पे मतलब कि वो आपसे दूर, ठीक है, वहाँ पे उनको सारी नेसेसिटीज़ बेसिकली मिल रही हैं, लेकिन उनको अपने तो नहीं मिल रहे वहाँ पे, उन्होंने तो फिर वहाँ पे जो उनको मिलते हैं तो फिर उनको अपना बनाना ही पड़ता है। तो बहुत दुख होता है मुझे इस तरह से देख के उन लोगों को, एंड बहुत ज़्यादा जो है मैं अंदर से खुद फील करता हूँ कि इट्स अ लेसन फॉर मी कि वहाँ जो लोग हैं, आई वुड नेवर 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 वुड लाइक एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर to be at that place, या to be someone who's spending their life there, मतलब कैसे spend कर सकते हैं। I know के कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, I'm telling you honestly, उनकी मजबूरी नहीं थी जो जिन्होंने उनको वहाँ पर छोड़ा हुआ है, जिन लोगों को वहाँ पर आंटियों को या अपनी अम्माओं को या अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को जो छोड़ा हुआ है, उनकी मजबूरी नहीं थी, बिकॉज़ आई नो देयर स्टोरीज़। मैं अगर आप लोग मुझे साथ लेके जाएंगे तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक एक से मिलवाऊंगा, एंड आई टेल यू व्हाट देयर बैकग्राउंड स्टोरी इज़। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हो तो काइंडली मुझे जो है ज़रूर लेके जाइएगा वहाँ पे, या अगर नहीं लेके जाना चाहते तो यू गाइस कैन गो। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके जो है वो कोई डोनेशन करें या उनको पैसे दें या कुछ दें,
you can just go and spend time with them. They'll like it. So inshallah, I'll see you guys in some other vlog inshallah. And till then, take care. Allah Hafiz.